बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं डिस्कवर ओरिजिनल और मैं हूं असद। इससे पहले आप इस कहानी की 44 एक साथ सुन चुके हैं, अब किस्त 45 मुलाहिजा फरमाएं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलती रहा करें। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक भी किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमन किया कीजिए, और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में अपनी आराज से हमें मुतल्ला भी किया कीजिए। आइए इस दास्तां का आगाज करते हैं, जिसके बारे में मुझे तारिक ने एक रोज पहले ही बताया था। किसे गौहर शाह का इस घनौने कारोबार में बिजनेस पार्टनर कह सकते हैं। वो जनूबी पंजाब के शहर हासिलपुर के एक बेनाम से दरियाई इलाके में वाके कला में रहता था, जिसे ये लोग कराकोट कहते थे। यहाँ इंसानियत स्मगलिंग और दीगर कैदियों को रखने और इनके आजा ऑपरेट करने का सारा बंदोबस्त किया गया था। गूगल मैप में मुझे तारिक ने एक कला नुमा इमारत दिखाई थी। दूसरा नाम यहाँ के एक साबका एमपीए गौहर फेरोज शाह का है, जिसकी कहानी अभी आपने डॉक्टर सैफ के हवाले से हमें सुनाई थी। तीसरी आम शख्सियत भारत से ताल्लुक रखती है, क्योंकि माफिया के लिए भी काम करती है। बज़ाहिर वो भारत में समाज सधार की एक तंजीम का रूह रवा है, मगर दर पर्दा वो जराइम पेश आदमी है। ये शंकर चांकिया है। ये तीनों आजाब फरोशी के खनौने कालाजार कारोबार में बिजनेस पार्टनर्स हैं। इनकी तस्वीरें तुम देख ही रहे हो। बदकिस्मती से आशा दत्त को इस खूनी माफिया ने हादसा ही मौत मरवा दिया, मगर मैंने किसी तरह ये रिपोर्ट उड़ा ली, लेकिन बदकिस्मती से सबूत इसके पहले ही साया कर दिए गए थे। रीटा ये सब बड़ी सुराहत से बताकर खामोश हुई तो मैंने उसके चेहरे पर अपनी नजरें मरकूज करते हुए इस्तेफहामिया अंदाज में कहा, अगर इस रिपोर्ट की सच्चाई में जरा सा भी मुगालता या मफरूजा शामिल नहीं है तो सबूत हासिल करना मेरे लिए नामुमकिन नहीं होगा, क्योंकि हदफ अब मेरे सामने वाज़ेह हो चुका है। 100% सच्ची रिपोर्ट है ये, इस बार शौकत ने पूरे यकीन से जवाब में कहा। तुमने और तारिक ने ये रिपोर्ट पढ़ ली, इस पर तुम काम करते रहे बल्कि कर रहे हो? क्या ये रिपोर्ट चीख चीख कर तुमसे नहीं कह रही है कि इसमें कितनी सच्चाई और कितनी मुबालगा आराई? शौकत ने गलत नहीं कहा था। बिलाशुबा रिपोर्ट की एक एक सतर ही नहीं बल्कि इसका एक एक लफ्ज इसके सच्चा होने की गवाही दे रहा था। गौहर शाह और दीगर के नामों के तस्करे के अलावा डॉक्टर रमेश अग्रवाल के जिक्र से तो मैं कभी नहीं सर पे निगाह कर सकता था। अब मेरे दिल को वो मंजर याद करके खौंसा सा लगा था, जिस वक्त मैं उतर कर टैक्सी वाले को किराया दे रहा था तो पार्किंग की तरफ से रमेश नमोदार हुआ। तो उसने हाथ में सिल्वर रंग का एक बड़ा सा बक्स उठा रखा था। मैं जानता था इस किस्म के बक्स में ट्रांसप्लांट के लिए अज़ा मुंतकिल किए जाते हैं। ये असल में आयुष बक्स होता है जो मुकम्मल तौर पर सील होता है और अंदर मौजूद अजू को हवा और गर्मी से बचाता है। यूं रमेश मुझसे आगे अंदर दाखिल हुआ और लिफ्ट की तरफ जाने लगा। मुझे ग्राउंड पर ही काम था क्योंकि इंतजामी दफातर यहीं थे, लेकिन रास्ता लाबी से होकर जाता था। मैं लाबी में दाखिल हुआ तो लिफ्ट का दरवाजा बंद हो रहा था और रमेश ही मुझे देख रहा था। एक बार फिर मुझे उसके मुस्कुराहट में इस्तेज़ा और एक अजीब सी कैफियत महसूस हुई थी जो मैं बयान नहीं कर सकता। जब लिफ्ट का दरवाजा बंद होने में थोड़ा सा खला बाकी था तो उसने अचानक सिल्वर बक्स ऊपर करके जैसे खास तौर से मुझे दिखाया और इसी लम्हे लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। मैं अब्दुल रहमान के दफ्तर की तरफ जाते हुए सोच रहा था कि उसने खास तौर से मुझे सिल्वर बक्स क्यों दिखाया। ये बात अब इस अहम रिपोर्ट को देखने के बाद मेरी समझ में आई थी कि रजील डॉक्टर रमेश मुझे दरहकीकत मेरे ही मासूम भाई आदिल के आजा दिखा रहा था, जो एक मुकर्र वक्त पर जट त्यारे में पाकिस्तान से वहां लाए गए थे और बिलतरतीब तीन अफराद को वो फौरी तौर पर ट्रांसप्लांट कर दिए गए थे। मेरा दिल एक बार फिर दुख से भर गया। साथ ही रमेश के लिए मेरे दिलो दिमाग में नफरत और गैज़-ग़ज़ब का आलाव भी मजीद भड़क उठा। मेरा जी चाहा कि इसी वक्त उड़कर इसके पास जा पहुंचूं और रमेश समेत उस बर्मी कसाई सर्जन डॉक्टर अमर नाग को इतनी अजियतें दूं कि इनकी रूहें तक तड़प तड़प कर मुझसे मौत की भीख मांगने लग जाएं। मेरी आंखें भीग गई थीं। तारिक शायद मेरी ही तरफ देख रहा था और वो मेरे दुख का अंदाजा कर सकता था, इसी सबब उसने होले से मेरा कांधा थपथपाया। रीटा और शौकत भी मेरा कर्ब समझ रहे थे और खामोश खड़े थे। तारिक बोला, इस रिपोर्ट की बाकियात पर अब हमें अपना काम आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। बिल्कुल, हम इसीलिए तो यहाँ आए हैं ताकि मिलकर इस पर काम करें, शौकत जोश से बोला। ये रिपोर्ट हम रख सकते हैं? मैंने शौकत से पूछा। श्योर, ये तुम्हारे लिए कापी निकाली है, उसने जवाब दिया। एक कापी तारिक के लिए भी रीटा ने निकाल ली थी, वह हमने जेब में डाली और मजीद एक घंटा वहां हमने कायम किया और इस मौजू से मुतालिक बातें होती रहीं। इसके बाद दोबारा जल्द मिलने और राबते में रहने की ख्वाहिशात के इजहार के बाद हम रवाना हो गए।
मैं अपनी वैन में था और तारिक अपनी कार में, रूमी इसके हमराह थी। वो अपने ही एक ठिकाने की जानिब ले जा रही थी, जिससे मैं तो नहीं अलबत्ता तारिक ही वाकिफ हो सकता था। अलबत्ता मैं इनकी गाड़ी के पीछे था और इन्हें फॉलो कर रहा था। ये वन वे थी या ट्रैफिक का खासा रश था, कहीं आगे जाने वाली तारिक की कार फंस जाती और कभी मेरी वैन। यूं हमारा फासला बढ़ता जा रहा था। मुझे डर था कि कहीं मैं इन्हें खो ना दूं, मगर ये कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं था। सेल फोन पर हम रابطہ कर सकते थे। स्टेशन रोड से हम एक दाएं जाने मुड़ने वाली सड़क क्रॉस कर रहे थे कि मुझे अचानक तारिक की कॉल आ गई। मैं चौंका, क्योंकि अभी इसकी जरूरत पेश नहीं आई थी, इसलिए हम अभी एक दूसरे के आगे पीछे ही थे। मासिवाय दरमियान में एक काली पीली टैक्सी और दो कारों के। मैंने एक हाथ से स्टेरिंग पर ग्रिफ जमाते हुए दूसरे हाथ से सेल फोन कान से लगा लिया था। दरमियान में एक काली टैक्सी है, पीली छत वाली, पुरानी सी। इसने जैसे छूटते ही कहा, देख रहे हो तुम उसे? इसके बाद पर मेरा दिल यकबार की जोर से धड़का। हाँ, मुझे नजर आ रही है। मुझे तो नहीं, रूमी को इस पर शुबा हुआ है कि कोई शख्स इसमें बैठकर हमारा ताकुब कर रहा है, और वो होटल इसे हमारे पीछे लगा था। ठीक है, लेकिन इसने मुझे भी देखा होगा। वो हमारे दरमियान क्यों है? मुमकिन है क्योंकि हम तीनों साथ ही निकले थे, इसने कहा। हो सकता है ट्रैफिक के रश की वजह से टैक्सी ड्राइवर हमारी दोनों गाड़ियों के दरमियान आ गया हो, या फिर इस मशकूक आदमी ने ड्राइवर से सिर्फ हमारी ही कार का ताकुब करने को कहा हो। उसे मालूम होगा कि तुम भी हमारे पीछे हो, इसलिए तुम भी ध्यान रखना, इसे शुबा ना हो कि हम उससे चौंके हुए हैं। ठीक है, मैंने कहा और राब्ता मुनकता कर दिया। अब मेरी सारी तवज्जा इसी टैक्सी पर मरकूज रही। मैंने जरा करीब वैन लाकर इसके अंदर देखने की कोशिश भी चाही थी। पैसेंजर सीट पर सिर्फ एक ही शख्स बैठा हुआ था। इस वक्त तो मैं भी उसकी मशकूक हरकतों सकनात पर चौंकिया, जब वो बार बार कभी सामने और कभी गर्दन पूरी मोड़ कर अकबी स्क्रीन से मेरी गाड़ी की जानिब देखने लगता। तब मुझे ये अंदाजा लगाने में चंदा दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो कुछ परेशान और घबराया हुआ सा था। चुबा अपनी जगह, मगर उसका यूं मुस्तरिब हाल नजर आना अचंभे की बात थी। मैंने फौरन सेल पर तारिक से राब्ता किया। ये मामला कोई और ही लगता है, यानी खतरे वाला नहीं है। इसे ये कहते हुए मैंने उसकी वजह भी बता दी। वो बोला, रूमी भी इसके बारे में ऐसा ही कुछ अंदाजा लगा सकी है। मैं किसी जगह गाड़ी रोकता हूँ, तुम भी मोहतात रहना। हो सकता है ये हमसे मिलना और कोई बात करना चाहता हो। ऐन मुमकिन है, मैंने असबाती अंदाज में कहा। सफर जारी रहा और फिर तारिक ने एक कुशादा सी गली की जानिब कार घुमा दी। मैं भी इसके पीछे वैन घुमा चुका था। एक मकाम पर तारिक ने कार रोक दी। टैक्सी के अंदर उस आदमी को हमने जल्दी से ड्राइवर को किराया देते और नीचे उतरते हुए देखा था। अकेला था, इसीलिए हमें इससे फिलहाल कोई खतरा महसूस नहीं हुआ था। अलबत्ता अंदर से मुसल्ला होता यह अलग बात थी। मैं और तारिक वगैरह बहरहाल इससे मोहतात थे। वो सीधा तारिक की कार की जानिब लपका था, जबकि वो दोनों उसके करीब पहुंचने तक नीचे उतर चुके थे। एक नजर उसने मेरी वैन पर भी डाली थी, चाहे तसल्ली करना चाहता था कि मैं उतर रहा था या नहीं। जब तक मैं मोहतात अंदाज में वैन से उतर कर इनके करीब पहुंचा, तब तक वो भी तारिक और रूमी के नजदीक पहुंच चुका था। मैं तो तुम लोगों से मिलना चाहता था, उसने हांफती हुई सी आवाज में कहा। कौन हो तुम और इस तरह हमारा ताकुब क्यों कर रहे थे? तारिक ने उसका बगौर सरापा जायजा लेते हुए कहा। मैं किसी बुरी नीयत से ताकुब नहीं कर रहा था, उसने जल्दी से अपनी सफाई पेश करते हुए कहा। मैं अगर चाहता तो इसी होटल में भी तुमसे मुलाकात कर लेता, मगर वहां मुझे खतरा था कि कहीं मैं उनकी नजरों में ना जाऊं, इसीलिए मैंने फैसला किया कि टैक्सी में ताकुब करके होटल से जरा आगे जाकर आपको रोकूं। मगर रोड इतना मसरूफ था कि कैसा खतरा? किन लोगों की बात कर रहे हो तुम? तारिक ने उसकी बात काट दी। मेरी और रूमी की उस पर नजरें जमी हुई थी। वो एक सांवली रंगत का आदमी था, कद्दूस का मुनासिब था, सेहत भी ठीक ही थी, बाल छोटे थे, वो गैर मकामी महसूस होता था। क्या हम किसी मुनासिब जगह पर आराम से बैठकर बात नहीं कर सकते? बिलाखिर उसने मुल्तजई से लहजे में कहा। लेकिन तुम हो कौन, चाहते क्या हो हमसे? तारिक ने फिर सवाल किया। मैं ये सब तफसील आपको बता दूंगा, और भी बहुत कुछ है मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए। आप मेरी तलाशी लेकर इत्मीनान कर सकते हैं। मुझे वो वाकई बेजरर सा नजर आ रहा था। ये अलग बात थी कि वो बहुत कुछ जानता हो और हमसे कोई अहम बात करना चाहता हो। तारिक तो सोच में पड़ गया, मगर मैंने फौरन उसे अपने साथ ले जाने की हामी भर ली थी। हम जहां मौजूद थे ये भी मसरूफ जगह थी। तारिक ने रूमी से कहा कि वो मेरी वैन संभाल ले, जबकि इस आदमी समेत तारिक ने मुझे अपनी कार में सवार होने का कह दिया। कार में सवार होते तारिक ने मुझे ताकीद कर दी कि मैं इसकी तलाशी लूं। मैंने ऐसा ही किया। उसके पास माँ सिवाय अमूमी और रोजमर्रा की अशिया के और कुछ नहीं था। एक मोटे जमर्दी पत्थर की अंगूठी भी थी उसकी जेब में। पता नहीं क्यों उसने इसे अपनी उंगली में पहनने के बजाय जेब में रख छोड़ा था। मैंने ओके की रिपोर्ट दी और तारिक ने कार आगे बढ़ा दी। हमारे पीछे रूमी वैन में आ रही थी। हम एक बार फिर मेन रोड पर आ गए। चूंकि हमने रूमी के ठिकाने पर जाना था,
इसलिए तारक ने उसे आगे रहने को कहा था। हम उसके पीछे रवाना हो गए। तारक कार ड्राइव कर रहा था और मैं उस आदमी के पीछे पैसेंजर सीट पर विराजमान था। आगे काम से रहायशी कॉलोनी आ गई। ये रेलवे लाइन के साथ साथ बनी हुई थी। छोटे बड़े मकान बने हुए नजर आ रहे थे। ऐसे ही एक तंग सी गली में दोनों गाड़ियां दाखिल हो गईं और बिलाखिर एक छज्जेदार मकान के दरवाजे के सामने रुकी। हम सब अपनी अपनी गाड़ियों से उतरे। दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ था, जिसे रूमी ने ही अपने जीन्स की हिप पॉकेट से चाबी निकाल कर खोला था। हम अंदर दाखिल हो गए। मैंने महसूस किया कि अजनबी इस जगह और अब इस मकान के अंदर बड़े गौर गौर से देखे जा रहा था। अंदाज उसके देखने का कुछ ऐसा ही था जैसे ये सारी लोकेशन हिफ्स करना चाहता हो। हम अंदर कमरे में आ गए। कमरे दोनों सलीके के थे। एक में हम दो कुर्सियां, एक मेज और एक साफ सुथरे बिस्तर से आरास्ता बेड पर कब्जा जमा चुके थे। आदमी को हमने बेड पर बिठाया था। आप बताओ तुम कौन हो और हमसे क्या कहना चाहते हो? तारिक ने अजनबी के चेहरे की तरफ गौर से घूरते हुए कहा। मैं तुम सबको जानता हूँ, उसने मुंह खोला। अच्छी बात है, आगे बोलो और ये भी बता दो कि कैसे जानते हो हमें, जबकि हम तो तुम्हें आज पहली बार देख रहे हैं। मैं यहाँ का शहरी नहीं हूँ, उसने जैसे इंकशाफ किया। हम तीनों चौंक उठे। मैं भारत का शहरी हूँ और कपड़े का व्यापार करता हूँ। मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान या लाहौर ही में आजकल मुकीम हूँ, मगर भारत में मेरा कारोबारी और कुछ अजीज रिश्तेदारों से मिलना चुनना लगा रहता है। मेरा नाम प्रकाश लोहाना है, वो इतना कहकर जरा रुका। हम तीनों की नजरें बदस्तूर उसके चेहरे पर जमी हुई थी। उसने होले से कनकार कर दोबारा कहना शुरू किया। मेरा एक बेटा था जीवन दास, वाकई हमारा जीवन था, हमारा संसार था, कहते हुए उसका लहजा रुंधने लगा। एक दिन वो अचानक गायब हो गया। हम जैसे कारोबारी लोगों के बच्चे अगवा हो जाएं तो सीधा अगवा बराए तावान ही का होता है, मगर काफी दिन गुजर जाने के बाद किसी ने हमसे रकम का मुतालबा करने के लिए कोई राबता ही नहीं किया। बिलाखिर एक दिन उसकी लाश हमें लक्ष्मी चौराहे के पास गली से मिली। हम भी वहीं रहते हैं। मेरी और शांति की दुनिया ही अंधेर हो गई, क्योंकि जीवन हमारी अकलौती औलाद था। मामला पुलिस तक गया। पोस्टमार्टम हुआ तो हम पर यह भयानक इंकशाफ हुआ कि मेरे बच्चे जीवन के अंदरूनी आजाद निकाल लिए गए थे। पहले तो मैं बेटे की मौत पर दुखी था और सब्र कर लिया था, लेकिन फिर जब मुझे इस बर्बरियत का पता चला तो मेरा पूरा वजूद नफरत और इंतकाम के शोरों से भड़क उठा। इतना बताते बताते उसका लहजा मारे गम के रुंध गया, वो रो पड़ा। मैं उसकी ये खूनी दास्तान सुनकर मुतासर होने लगा, शायद इसलिए कि मेरा दुख भी यही था और जो अलाव मेरे सीने में अपने भाई के लिए दहक रहा था वही अलाव प्रकाश के सीने में भड़का हुआ था। लेकिन मैंने देखा कि तारिक और रूमी इसकी राम कथा से बिल्कुल भी मुतासर नजर नहीं आए थे। इनके चेहरे बदस्तूर सपाट थे। तभी तारिक ने जरा लहजे में सख्ती लाते हुए उससे दोबारा सवाल किया। ये कहानी अपनी जगह, मगर तुमने अभी तक ये नहीं बताया हमें कि होटल से यहां तक तुम हमारे पीछे कैसे लगे थे, हमारे बारे में तुम्हें कैसे ये सब मालूम हुआ? मैं इसी तरफ आ रहा हूं, प्रकाश ने अपनी कमीज के दामन से आंसू पूछते हुए बात काटी। मैं तुम्हारे पीछे नहीं बल्कि इन दोनों भारतीय रिपोर्टरों से मिलने और उनसे मदद लेने के लिए गया था। भारत में मुकीम मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे इन दोनों के बारे में बताया था। ये दोनों ऐसे खूनी सौदागरों को अंजाम तक पहुंचाने का वचन किए हुए हैं। इन्होंने भी आपकी तरह मेरी दर्दनाक दास्तान पर विश्वास नहीं किया और मुझे धुतकार दिया। तभी मैंने आप दोनों को देखा और काफी देर बाद जब आपको इनके कमरे से निकलते देखा तो जान गया कि आप जरूर इनके करीबी साथी होंगे, इसलिए मैंने सोचा तुम लोगों ही से मदद मांग लूं। तुम्हारे बेटे के साथ ये खूनी वाकया कब और कहां पेश आया था? रूमी ने प्रकाश से सवाल किया। मुंबई में, उसने जवाब दिया। तुम यहां और तुम्हारा बेटा मुंबई में? तारिक ने सवालिया नजरों के साथ उसे घूरा। ये कौन सी बड़ी बात है, हम अक्सर मुंबई आते जाते रहते हैं। मेरा बेटा आजकल वहीं का ही होकर रह गया था क्योंकि वहां उसकी हमने मंगनी कर रखी थी, उसकी होने वाली लोगाई वहीं रहती है। तुम शौकत और रीटा से अभी फोन करके इसका बयान की तस्दीक क्यों नहीं कर लेते तारिक? मैंने उसे बदस्तूर शुबे में मुबतला देखकर मशवरा दिया। वो तो जाहिर है मैं कर ही लूंगा, मगर इससे क्या साबित होगा? यही कि ये उनसे मिला और इन्होंने इसे निकाल बाहर किया। ठीक इसी वक्त मेरे कान खड़े हो गए। बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज उभरी थी। तारिक और रोमी भी चौंके। प्रकाश का चेहरा खौफजदा हो गया। इसी अंदाज में कपकपाती आवाज से बोला, कहीं वो तो नहीं आ गए, मेरे पीछे भी पड़ गए थे वो? ये कहते हुए वो दरवाजे की जानिब लपका। मुझे उसकी अजीब हरकत पर ताज्जुब हुआ। खतरा दरवाजे की तरफ था और ये भी उसी सम्मत भागा था। क्यों? इस क्यों का जवाब मुझे तारिक और रोमी की बयक वक्त उस पर जस्त ने दिया। वो इसे दबोचने के लिए इस पर झपटे ही थे कि धड़ से दरवाजा खुला बल्कि टूट कर गिरा। मैं सन्नाटे में रह गया। तीन मुसल्ला अफराद अंदर घुस आए थे। दरवाजा उन्होंने ही शायद बयक वक्त ठोकरों से तोड़ा था, जबकि मैं भी अभी ये सोचता ही रह गया था कि पिस्तौल अपनी जेब से निकालता, मगर तारिक और रोमी ये काम पहले ही कर चुके थे।
रूमी ने एक अनोखी हरकत की थी। उसने प्रकाश को जोरदार धक्का देकर इन तीनों पर उछाल दिया था। कुछ इस सबब के जैसे रूमी को शुबा था कि ये लोग प्रकाश ही के साथ ही हो सकते थे। यूज का ये शुबा कुछ गलत भी साबित नहीं हुआ था, क्योंकि वो प्रकाश को अपनी जानिब गिरता देख कर गड़बड़ा से गए थे। तब तक मेरा पस्तौल वाला हाथ भी बाहर आ चुका था। इसी कलील लम्हा थी मौका से फायदा उठाते हुए तारिक और रूमी के पस्तौलों से बयक वक्त दो धमाके हुए। मैंने दो हमला आवरों को चीख मार के लड़खड़ाते देखा। तीसरे रूमी पर गोली चलाना चाही थी कि उसे मैंने फायर करके गिरा दिया। वो चीख मार के दरवाजे की बैरूनी चौखट पर जा पड़ा था। ये शायद तारिक और रूमी का मोहतात अंदाज था कि हम इन तीनों हमलावरों को पछाड़ने में तकरीबन कामयाब रहे थे। प्रकाश ने उठकर भागना चाहा था कि तारिक ने उस पर छलांग लगा दी। मैं और रूमी पस्तौल हाथ में दबाए इन तीनों जख्मी हमलावरों के ताकुब में लपके, जो बाहर गली में निकल कर दाएं बाएं निकल भागे थे। अंदर आ जाओ, कोई फायदा नहीं, तारिक ने पीछे से हांक लगाई। गोलियों की आवाजों पर लोग मकान के बाहर जमा होना शुरू हो गए थे। हमने इन्हें यही बताया कि डकैती की नीयत से कुछ लोग घर में घुस आए थे, मगर हमने उन्हें मार भगाया। लोग वाह वाह करके वापस अपने काम धंधों की जानिब पलटने लगे। हमें सरदस्त फौरी तौर पर यहां से निकलना पड़ेगा। कोई ना कोई पुलिस को इसकी इत्तला जरूर करेगा और पुलिस हमारे हाथ लगे इस अहम कलियों को छीन लेगी, तारिक ने प्रकाश को बदस्तूर दबोचे रखते हुए कहा। फिर हम वहां नहीं ठहरे, मकान को ताला लगाया और अपनी गाड़ियों की जाने पड़े। पहले वाली तरतीब के साथ हम सवार हुए और रवाना हो गए। रूमी की वैन अब हमारी मेहरान कार के पीछे थी। तारिक ने कार का स्टीयरिंग संभाला हुआ था और मैं प्रकाश को दबोचे पिछली सीट पर बैठा था। गाड़ियों की रफ्तार तेज रखी गई थी। स्टेशन रोड से हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट वाली रोड पर आ गए। यहां तक पहुंचने में हमें निसफ घंटा लगा था। इस दौरान प्रकाश बुरी तरह हराज सदा नजर आ रहा था, मगर तारिक ने मुझे सख्ती से हदायत कर रखी थी कि मैं इसे काबू किए रखूं। जब हम एक घर के सामने रुके तो प्रकाश ने कार से उतरते ही मुझे धक्का देकर भागने की कोशिश चाही। एक लम्हे के लिए तो मैं भी थोड़ा सा बौखला गया, मगर दूसरे ही लम्हे मैंने उसे फिर दबोचा और उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। तुम कहां भाग रहे हो मेरी जान? अभी तो हमें तुमसे बहुत कुछ पूछना है। मैं इन लोगों से सख्त खौफजदा हूं, प्रकाश कांपते हुए बोला। शट अप, इस बार तारिक ने उसे घुरका। खमजीने चढ़ने लगे। इसका दरवाजा खुला हुआ था और ये एक बड़ी सी दुकान के ऊपर घर बना हुआ नजर आता था। नीचे दुकान पता नहीं किस वजह से बंद थी। गली में मामूल की चहल पहल थी। कुछ लोगों ने हमारी जानिब अचंभे वाली नजरें डाली थी। हम ऊपर आ गए। यहां दाखिले का दरवाजा बंद था। तारिक ने दस्तक दी। दूसरी दस्तक पर एक मेरी ही उम्र के नौजवान ने दरवाजा खोला था। इसके चेहरे पर दाढ़ी थी। इसने तारिक को देखते ही जैसे ताजीम पेश कर दी। और कौन कौन है यहाँ? तारिक ने अंदर घुसते ही उससे सवाल किया। और कोई नहीं जनाब, सिवाय मेरे, नौजवान ने जवाब दिया। ये मेरे दोस्त हैं, तारिक ने हमारी तरफ इशारा किया। हम सब अंदर आ गए। सामने छोटा सेन था और ऊपर दो छत्ती थी। बाएं जानिब दो कमरे थे। सामने के रुख पर गुसल खाना और रसोई थी। हम एक कमरे में आ गए। मालूम हुआ ये एक ही बड़ा और कुशादा कमरा था, या फिर दरमियान की दीवार गिरा कर इसे एक ही कमरा कर दिया गया था, क्योंकि बाहर से इसके दरवाजे नजर आते थे। जमीन पर दरी बिछी हुई थी, दो बिस्तर लगी चार पाइयां थीं, एक पर किताबों का ढेर और दूसरी पर लिहाफ और तकिया उलट पलट पड़े हुए थे। एक दीवार के साथ दो मेजें थीं, एक पर किताबें और दूसरी पर कंप्यूटर और प्रिंटर रखा हुआ था।